गाइज वेलकम टू माई चैनल आसमा नवाबी, मैं हूँ आसमा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ, आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। क्या शेयर करूँगी? हाँ जी, वेस्टीज वेस्लिम शेख के सवालों के जवाब, जो भी आपने सवाल किए थे उसी के सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। वैसे भी मैंने वहाँ पर दे दिए थे, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे सवाल थे कि मतलब ऐसे कैसे लेना है, क्या लेना है, तो वही सारे आपके सवालों के जवाब देने आई हूँ मैं। और वीडियो काफ़ी टाइम के बाद में डाल रही हूँ, तो फिर चलिए शुरू करते। थोड़े से बिजी चल रहा था, इसीलिए मैं अपने कुकिंग वाले चैनल पे एक्टिव थी। भाई आप कहोगे प्रमोशन, नहीं जी, वो भी मेरा चैनल है। मैं वहाँ पर मतलब कुकिंग भी मेरा पैशन तो नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ। जिसको भी इंटरेस्ट है आ जाइएगा मेरे उस चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सवालों के जवाब देने आई हूँ, मतलब वेस्टीज वेस्लिम शेख के बारे से जुड़े सवालों के जवाब। तो आप नेक्स्ट किसके सवालों के जवाब चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, क्योंकि मैं कमेंट में नहीं कर पाई थी आपके आंसर, तो यहाँ पर ज़रूर करूँगी आपके जो भी सवाल है। तो यहाँ पर मैंने 10 सवाल को पिक किया है, तो उसके आंसर दूंगी आपको। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही सवाल था कि आपने कितना वेट कम किया और आपका कितना वेट कम हुआ, आपने कैसे लिया इसको, ये वो सब थे, सारे सवाल थे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मेरा वेट कम हुआ था 6 kg। मतलब मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं थी मतलब कम करने की। मैंने ये जो वेस्लिम शेक था वो लिया, हमने मंगाया था 3 बॉटल, पहले 1 बॉटल मंगाया तो थोड़े से हमको अच्छे रिजल्ट दिखने मिले थे, तो हमने और 2 मंगाए थे। देखो, वेस्टीज वाला कोई हमें पैसे नहीं दे रहा है, हमने अपने ही पैसे से ख़रीदा था। उसे कितना था, 1300 का था कुछ, तो उसी मतलब हमने पैसे दे के ही ख़रीदे थे, हमको फ्री में नहीं मिला था। सो जो ऐसे अभी तारीफ़ करेंगे, लेकिन उस वीडियो को बनाकर फ्रेंड्स मुझे हो गया अभी 1-1.5 साल हो गया, तब मैंने उसको यूज़ किया था, तो अभी भी उस पर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, इसीलिए मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए आई हूँ। तो मुझे ये सारे सवाल बहुत सारे थे कि मतलब आपका कितना वेट कम हुआ। तो अभी तो शायद से मैं आपको मोटी लग रही होंगी, क्योंकि मतलब जब मैं इसे ले रही थी तो मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा मेरा वेट गेन और ज़्यादा हो गया, मतलब बॉडी स्वेल हो जाती है ना, मतलब फूल जाती है उस वजह से। चलिए छोड़िए उस बात को। तो मेरा वेट हुआ था, मैंने 1 से 1.5 डब्बा यूज़ किया था, उसके बाद में मैंने छोड़ दिया। रीज़न ये था मतलब प्रेग्नेंट थी तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया यूज़ करना, मतलब लेना, तो फिर बाकी का बचा हुआ कभी कभी मतलब मैंने अपने एक फ्रेंड को दे दिया, कभी कभी मेरे हस्बैंड लेते हैं तो उनको ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब उनको भी अपना पेट कम करना था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की वजह से हो जाता है ना, इस वजह से। तो यही था सब, मतलब मतलब मुझे पूछे जाने वाले सवाल यही थे कि मतलब कि आपने कितना वेट कम किया था। उससे मैंने 6 kg कम किया था फ्रेंड्स, और मैं डाइट वगैरह कुछ भी नहीं लेती थी, मतलब जो भी नॉर्मल घर का खाना था, सब्जी रोटी, जो भी घर का खाना सब्जी रोटी हो, नॉनवेज के बिना तो हम रहते नहीं हैं, क्या छोड़िए, बाहर का नहीं खाते थे, जंक फूड अवॉइड किया बड़ी मुश्किल से। और उस टाइम पे मतलब हाँ थोड़ा सा मैं बाहर का हम लोग कम ही खाते थे, तो फिर हो गया, मतलब देखना था ना, मतलब आपको रिव्यू भी देना था उस टाइम पे, इस वजह से। तो फिर मेरा 6 kg कम हुआ था 1-1.5 महीने में, तो यही मतलब वो काम करता है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट सवाल पे, ये तो मेरे से जुड़ा हुआ सवाल था तो मैंने इसका आंसर आपका ऐसे ही कर दिया, तो अभी इसमें कौन कौन से सवाल है वो देखते और आपके सवालों के जवाब देते है ना। अच्छा जी, तो सबसे पहले सवाल ये है, क्या हम इसे सुबह और रात दोनों टाइम ले सकते हैं? गारंटी है ना कि वेट लॉस होगा मैम, प्लीज रिप्ले कीजिए, प्रिया कुमारी, है ना। तो फ्रेंड्स, गारंटी किस चीज़ की दे सकते हैं हम इससे? अगर आप बाहर का जंक फूड खाओगे और मतलब खाना भी बहुत सारा खाओगे तो गारंटी किस चीज़ की? तो ये क्या काम करेगा? कुछ नहीं काम करेगा। ये हमने खाना स्किप करके हमने इसे ये लेना है सुबह और शाम, और आप वेट लॉस के लिए ले रहे हो ना, तो आप ना इसे मतलब मिल्क में लीजिए तो आपको भूख नहीं लगेगी। मैं
तो फ्रेंड्स मैं ना इसे मिल्क में लेती थी सुबह में, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती थी तो मैं इसको मिल्क में ले लेती थी। और तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, हम 2 बजे खाना खाते थे, क्योंकि नाश्ता तो बिल्कुल नहीं करती थी मैं। और नाश्ता हम नहीं भी करें ना फ्रेंड्स तो भी हमारा वेट मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह का नाश्ता हमने करना ज़रूरी होता है। तो गारंटी तो हम इस चीज़ की नहीं दे सकते, अगर आप इसको प्रॉपर सही तरीके से लोगे ना फ्रेंड्स तो मतलब घर का खाना खाइए, और फिर मतलब जो भी सब्जी रोटी जो भी होता है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। अगर वेट ज़्यादा है, रुक गया है, वेट कम नहीं हो रहा है, तो फिर तो हमें थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, जो मैंने मतलब तो नहीं की थी। बस खाली बाहर का खाना जो था वो अवॉइड किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी गरम से भी ले सकते हो क्या? तो फ्रेंड्स गरम पानी में आप कैसे ले सकते हो, सोचो ना, जो एकदम ज़्यादा गर्म होता है उसमें नहीं ले सकते हम। गरम गरम पीने अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कोई भी पानी में ले सकते हो, जैसे ठंडा हो या गर्म हो, कैसे भी ले सकते हो। लेकिन गर्म पानी से मुझे नहीं लगता, अगर हम उसमें गर्म पानी में उसको मिक्स करेंगे तो हमें पिया जाएगा वो, उससे बेटर तो हम नॉर्मल पानी ले लें या फिर मिल्क ले लें। मिल्क से अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो ना, तो मिल्क लेना, और तो आप नाश्ता कर रहे हो खाना भी खा रहे हो तो इसे पानी में ही लेना, लेकिन नॉर्मल वाटर में लेना, गर्म पानी में मत लेना। गर्म पानी में नहीं पिया जाएगा, अगर आपको पिया जाता है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंथ में कितना वेट लॉस होगा? तो डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, उस हिसाब से होगा आपका। वरना 6 kg हो गया था मेरा, 6 kg, 6 kg, 6 kg मेरा हो गया था एक मंथ में। एक मंथ 10 days हुआ था उसमें हो गया था मेरा। तो हम इसको मतलब पक्का ऐसा नहीं बोल सकते कि एक मंथ में इतना ही कम होना, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए, है ना। तो ये था कौसर जहान का सवाल। वेस्लिम के आपने 3 प्रोडक्ट यूज़ किए होते तो और अच्छा रिजल्ट आता है। प्रोडक्ट ठीक ठाक नहीं, बहुत अच्छा है प्रोडक्ट, बस उसका यूज़ आना चाहिए, डिटेल्स पता होनी चाहिए। मार्केट के प्रोडक्ट इसलिए जल्दी रिजल्ट देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें मात्रा में यूज़ उसमें केमिकल होता है। उन्होंने मतलब शायद से सही भी कहा होगा। तो फिर तीनों प्रोडक्ट की बात करो फ्रेंड्स, वो वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी और वेस्लिम टैबलेट आती है, वो टैबलेट मुझे नहीं लेनी थी, मतलब मैंने नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी मेरी मेडिसिन चल रही थी तो मैं क्यों लेती। तो आप कहोगे किस चीज़ की, PCOD हर किसी को होता ही है फ्रेंड्स, उस वजह से तो मैंने नहीं ली थी। मैंने वेस्लिम शेक लिया वो, क्योंकि सब लोग ले सकते हैं उस हिसाब से। और मेडिसिन जो टैबलेट होती है मैं कभी भी वो डॉक्टर के मतलब पूछे बिना कोई भी नहीं लेती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं फ्रेंड्स, इसमें शुगर नहीं ऐड कर सकते हम, इसको ऐसे ही पानी में या दूध में मिक्स करके लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसकी मतलब कैसे बनाते हैं इसकी भी वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हो। सिस्टर ये सेवन करने से 1 मंथ में कितना वजन बढ़ता है? इसको छोड़ने के बाद फिर वजन तो नहीं घटता ना, घटता है ना। तो अगर आपको इसको वजन बढ़ाने के लिए लेना है ना फ्रेंड्स, तो आप इसको मिल्क में ले और आराम मस्त तो खाना वगैरह भी खाए तो आपका अच्छा खासा मतलब वजन बढ़ भी जाएगा। आपको वजन बढ़ाने के लिए लेना है तो, अगर आपको वजन बढ़ाने के लिए अगर कुछ होममेड चाहिए तो फ्रेंड्स आप है ना वेस्लिम शेक से। अभी आप कहोगे यार मतलब वजन बढ़ाने के लिए वेस्लिम शेक से, मुझे सही लगता है केला खजूर का शेक। 2 केले लीजिए और 2-3 खजूर लीजिए, डेट्स तो बनाना, और डेट्स का शेक बनाइए, मतलब मिक्सर में उसको पीस लेना और मिल्क के साथ और पी लेना। और खाने में मतलब पीने में बड़ा यम लगता है और इससे आपका वेट भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, बहुत हेल्दी तरीके से बढ़ेगा। तो आपको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है वेट बढ़ाने के लिए। मैम सच में फैट लॉस होगा कि नहीं? तो ये तो हमारा तो हुआ था, तो अभी आप लोगे तो ही आपको पता चलेगा ना फ्रेंड्स। तो ये था सवाल मुकेश चौहान का, तो आप लीजिए पहले। मतलब मैं आपको मतलब फोर्स नहीं कर रही, आपकी मर्जी। अगर क्योंकि आपने मतलब जिनको वेट कम करना होता है ना फ्रेंड्स, उसने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की होती है ना, मतलब कि कहीं से हमारा वेट कम हो जाए,
तो इसे भी ट्राई करके देखे अगर आपका मतलब हो जाए तो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है ना इस वजह से। फ्रेंड्स, बाकी के सवालों के जवाब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जा रही थी इसलिए। तो बाकी के आपके जो भी सवालों के जवाब हैं वो अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।